दिन की शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन बारिश से हुई, हालांकि जिसके कारण स्विमिंग का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया। तो हमने प्लान बनाया कि हम चलते हैं कुछ ऐसी जगहों पर गुड़गांव में जो कि बरसात में बहुत ही अच्छी लगती हैं। सो वेलकम टू लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव, जो कि गुड़गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर अरावली हिल्स के फुट हिल्स पर है। तो चलिए चलते हैं लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव के सफ़र पर। सो आज हम एक छोटा सा हाइक कर रहे हैं, 500 मीटर के आसपास की हाइक है ये। वहाँ से थोड़ा आई थिंक व्यू दोनों तरफ का अच्छे से दिखेगा गुड़गांव का। नायला ने भी वॉक करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। लेफ्ट और राइट? लेफ्ट, बट देयर इज नो वे हियर टू द लेफ्ट। आई थिंक वी नीड टू गो टू द राइट सो दैट वी रीच ऑन द टॉप देयर। व्हिच साइड यू वांट टू गो? Okay, let's walk. एक जगह पहुंचे हैं जहां से दिखता है पूरा ऊपर का व्यू, और ये जो बहुत सारी गाड़ियां हैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया ट्रैक, और ये जंगलों के बीच से होते हुए यहाँ तक आए हैं, और पूरा यहाँ से ओपन व्यू दिखता है। हल्की सी ड्रिजल शुरू हो गई है, छाता भी नहीं लाए। लेट्स होप कि ज़्यादा बारिश ना हो, नहीं तो हमें यहीं से वापस भागना पड़ेगा। ड्रिजल हो करके रुक गई है, और ऐसे कुछ नज़ारे हैं यहाँ पर। पूरा प्लेन रास्ता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नायला थोड़ा चली, फिर उसके बाद में गोद में आ गई, और अब फिर वो चलने का रेडी है क्योंकि रास्ता प्लेन है। ये इस तरह का कुछ रास्ता है, काफ़ी सीधा सीधा रास्ता है, और मौसम अच्छा है। कभी ड्रिजल हो रहा है, कल कभी हल्का सा सनलाइट आ रही है, तो परफेक्ट टाइम फॉर दिस शॉर्ट हाइक लेपर्ड वैली ट्रेल में, जो गुड़गांव के बिल्कुल पास में है। एक और राउंड फिनिश करने के बाद ये व्यू है गुड़गांव के अरावली हिल्स का। गुड़गांव का वेदर ऐसा ही है, जब रेन होती है एकदम ठंडा मौसम हो जाता है, और रेन रुकते ही हल्की सी हीट हो गई है, क्लाउड्स हैं अभी भी, बट हाइक बहुत अमेजिंग है। ये छोटा सा हाइक है, आई थिंक 1 किलोमीटर हम चढ़े होंगे, और थोड़ा पीछे और दिख रहा है कुछ वहाँ पर, विल ट्राई एंड सी, बट मोर और लेस दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द व्यू। मैं एक और आपको व्यू दिखाता हूँ नीचे से। ये है पीछे का कुछ व्यू, 1 किलोमीटर की हाइक के बाद आता है ये, तो बहुत ही अच्छी जगह, और यहाँ तो हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। और अभी आगे बढ़ेंगे, एक और छोटा सा टॉप पॉइंट व्यू है, वहाँ से देखते हैं कि क्या नज़ारा है। नायला मिट्टी में खेलने में मस्त हो गई है, और अभी इसको चलने का मूड नहीं है, तो यहाँ तक कुछ कुछ गाड़ियाँ भी ऊपर आ जाती हैं। एक थार अभी ऊपर आई है। रोड तो ठीक है, एक आधा टर्न है जहाँ पे कि पत्थर भी नहीं है, कच्ची मिट्टी है, तो जैसे आज का दिन है बरसात में गाड़ी ऊपर आना मुश्किल है। इलाका इंटरेस्ट नहीं है वॉक करने में, अब इसको खेलना है। इसके आगे भी एक कच्चा सा रास्ता दिख रहा है, बट आगे हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि ये एक पॉइंट है जहां हम अपना ट्रैक एंड कर रहे हैं और वापस मुड़ते हैं। रास्ता ये भी बहुत सुंदर है, एक यहां पे अच्छा सा व्यू पॉइंट है, वहां से देखते हैं कैसे नज़ारे हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही है, तो अच्छा प्लेजेंट वेदर हो गया है। आई थिंक फिर से रेन शुरू होने वाला है, वेदर ओवरकास्ट हो गया है, फिर से रेन हो सकता है, बट हवा बहुत अच्छी लग रही है। एक बहुत छोटी सी साइड में एक जगह मिली है,
वहाँ एक फ्लैग लगा हुआ था। ये मेरे पीछे फ्लैग है, सो नीचे से दिखा, हमने कहा इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। सो ऑब्वियसली पहला ये था कि कुछ छोटा सा मंदिर होगा, लेकिन हमने लोगों से पूछा तो बोला एक छोटी सी लेक है यहाँ पर जिसमें बहुत सारे लोटस फ्लावर्स हैं। तो हम उस जगह पे पहुँच गए हैं, देखते हैं कितने लोटस फ्लावर्स यहाँ पर हैं। पौधे तो दिख रहे हैं बहुत सारे। सबसे बड़ा अट्रैक्शन था पीकॉक्स, बहुत मुश्किल से 2 पीकॉक हमने स्पॉट किए हैं। महिला यहां से पीकॉक्स देख रही है, एक नहीं दो दो मिल गए यहां पर। वही शक था मुझे भी कि बहुत नीचे बहुत गाड़ियां हो गई हैं तो वहां पे इसलिए भाग जाते हैं पीकॉक्स। थोड़ा हाइक करके आए तो हमें 2 मोर यहां पे मिल गए हैं। हम उसको पिक कर सकते हैं छोटा वाला? नहीं, उसकी माँ फिर विल गेट एंग्री, इस मदर विल गेट एंग्री। व्हाई? या बिकॉज़ यू कांट। देखा, के बच्चे मिल गए और बहुत सारी बकरियां मिल गई। तो हमको तो एनिमल से बहुत प्यार है ना नैला, तो हमें तो कोई भी एनिमल मिल जाए तो यार हम तो उनके साथ मस्ती मारना चाहते हैं। तो नैला को भी 2 छोटे छोटे लैम मिल गए, गांव के बच्चों ने हेल्प कर दी उनको लाने में, नहीं तो हमारे तो हाथ ही नहीं आ रहे। इतनी स्टीप उतराई कैसे उतरेंगे बताओ, यहाँ पे स्लिप करने का चांस है। तो अब हम एक एक करके उतरेंगे, उसके बाद तो रास्ता ठीक है। फिर तो मौसम भी बहुत साफ हो गया, अब तो हवा भी चल रही है, अलग ही नज़ारे हैं यहाँ पे। अभी लंच में क्या खाना है? बाप रे, मौसम इतना अच्छा, अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। छोटी सी जगह है लेकिन छोटे छोटे चीज़ें हैं यहाँ पे नेचर से जुड़ी है तो अच्छा लगता है। बस लोगों ने यहाँ बहुत गंदगी मचा दी है, यहाँ पर इतना अच्छा व्यू पॉइंट है ये और गंद पड़ा हुआ है। देखो यहाँ का हाल कुछ ये, और इतना प्यारा व्यू पॉइंट है ये, बॉटल्स टूटी हुई है, बहुत ही अमेजिंग व्यू पॉइंट है ये एक्चुअली। और यहाँ पे हवा अच्छी चलती है तो यहाँ के नज़ारा ही अलग है, लेकिन हम लोग इसकी जगह की इज्जत बिल्कुल नहीं करते। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, और वीकेंड्स पे एक छोटा सा आउटिंग करना नेचर में तो इससे अच्छी जगह गुड़गांव में नहीं हो सकती है। तो अभी इसके आगे प्रोग्राम ये है कि हमें ये 1.25 किलोमीटर की उतराई उतरनी है, फिर हम अपनी गाड़ी तक पहुंचेंगे, उसके बाद में लेपर्ड ट्रेल जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा और भी आई थिंक 1-2 किलोमीटर और आगे जाना है। वहाँ पर 1 या 2 छोटे छोटे कैफेज़ हैं, वहाँ जा कर के थोड़ा ब्रेक लेंगे। नाइला को मैगी चाहिए तो मैगी भी खाएंगे, और उसके बाद में फिर नॉनस्टॉप घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे शायद आगे ऑफ रोडिंग ट्रेल्स हैं, ये थार की हालत देख के तो ऐसे लग रहा है। मौसम बहुत ही साफ हो गया है और पीछे का व्यू हिल्स का पूरा अच्छे से नज़र आ रहा है यहाँ पर, और नीचे आई थिंक भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ से व्यू नहीं है बट
जैसे जैसे दिन ढल रहा है पूरा भीड़ बढ़ रही है। अभी दिन के 1 बजे हैं ऑलमोस्ट और काफ़ी लोग हैं। जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो बहुत कम लोग मिले, बट अभी बहुत ज़्यादा लोग मिल रहे हैं हमें। अभी ज़्यादा बचा नहीं है, हार्डली 500 मीटर होगा फिर हम अपनी कार में पहुंच जाएंगे। और नायला फिर से यहाँ पर मिट्टी में खेल रही है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसे में टाइम निकाल करके। नेचर में बच्चों को हमेशा लाना चाहिए। ट्रैकिंग ओवर और हम अब पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। नायला तो अंदर बैठ गई है, इसको मैगी खानी है तो चलिए मैगी खाते हैं आज हम। कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे, छोटा सा एक सैंड का पहाड़ है, लोग ऊपर तक चढ़ के जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हम नहीं जा रहे अभी यहाँ पर, तो हम सीधा आगे निकलेंगे। और कोई मुश्किल से 2 किलोमीटर का ट्रेल होगा, उसके बाद में वो डेड एंड है। वहाँ पे 2 कैफे मिलेंगे जहाँ हम खाएंगे मैगी। सो अभी हम पहुँचने वाले हैं लेपर्ड ट्रेल के एंड पर। यहाँ पे साइड पे एक छोटा सा लेक भी दिखता है, अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा लेक है। आई थिंक ये पानी सिर्फ बारिश में ही दिखेगा और समय तो आपको पानी नहीं दिखने वाला, ये शायद दिखने वाला है। एक ये कैफे है लेपर ट्रेल, खाली सा पड़ा हुआ लगता है, तो यहाँ तो नहीं जाएंगे हम। ये नजारा है कुछ यहाँ की छोटी सी लेक का। लेपर ट्रेल जाना है, ठीक है। ये है एक कैफे, राठी कैफे, बिल्कुल लेपर ट्रेल के डेड एंड पर है। पानी और कीचड़ बहुत है आज, तो चलने में मुश्किल हो रही है। कुछ व्यू है राठी कैफे का, आ गई है, बहुत अमेजिंग लग रही है। चलो अटैक किया जाए मैगी के ऊपर, टेस्ट करो। हाउ इज इट? दो कर दो, नॉर्मल आने ठंडी, कैसी है? वॉटर एंड कोल्ड वॉटर मिक्स टुगेदर, ओके, बट टेल मी हाउ इज मैगी? मजा आ रहा है। और खानी है मैगी की, यही बहुत है। ये आ गई कुल्हड़ वाली चाय हमारी। मौसम तो बहुत अच्छा है ना इला। तो जी लंच भी हो गया, लंच तो क्या ही था, मैगी खाई है और चाय पी हमने, और अभी बैक इन द कार गोइंग बैक होम। नायला ने कुछ अपना पेंटिंग बुक निकाल लिया है, नाउ लेट्स हेड बैक होम। तो दोस्तों वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।